मेरे प्यारे साथियों, आज हम भारत की प्रमुख जो झीलें हैं वो सबसे ज़्यादा झील कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो झीलें हैं उनको हम आज करेंगे नैनीताल की, सॉरी उत्तराखंड की जो झील हैं उनके पीछे क्या हुआ लगा जिसे हम पहचान सकते हैं कि ये झील उत्तराखंड में है। सबसे पहले ट्रिक है रामा नैनी कुरताल नौदेव उत्तराभात। देखिए उत्तराखंड देव की भूमि है और वहाँ देव निवास करते हैं। पूरा ठंडा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, एनवायरनमेंट एक पीसफुल है, ग्रीनरी एनवायरनमेंट है। और यहाँ ये हमारी क्या है ट्रिक है जिसके माध्यम से हम याद करेंगे। और जो उत्तराखंड की जो झीलें हैं उन झीलों के पीछे ताल शब्द का प्रयोग किया गया। क्या शब्द का प्रयोग किया है? ताल। जो ताल जिन शब्दों के, जिन झीलों का अगर एग्जाम में पूछे जाए और ताल शब्द लास्ट में आ जाए तो समझ लिए वो झील उत्तराखंड में है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रामा नैनी में आता है, पहले आता राम, रा से शुरू था, या होती है राकस ताल झील, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं माँ से, हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है माला ताल झील। क्या है? माला ताल झील। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नैनी झील। नैनी झील का नज़ारा रात का बड़ा ज़बरदस्त रहता है और नैनी झील बिल्कुल जो वहाँ का बस स्टैंड है नैनीताल का, बिल्कुल उसके सामने नैनी झील है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है रात्रि का और वहाँ का, जैसे आप नाव में बैठ के घूमेंगे ना बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और यह नैनी झील के साथ साथ माल रोड है, मार्केट ज़बरदस्त है। और जैसे नैनी झील, जैसे हम बात करते हैं ये उत्तराखंड के बस स्टैंड है इस साइड में, और बस स्टैंड के बिल्कुल सामने आपको नैनी झील मिलेगी और बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट, बिल्कुल प्लेन साफ सुथरा पानी है, यहाँ घूमने लायक बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अगर हम बातें खुरताल, नेक्स्ट हमारी कौन सी रहेगी? खुरताल। खुर जो हमारी नई जो झील है खुरपाताल बहुत ही सुंदर झील है। ये पहाड़ी के ऊपर से हम देखते हैं तो इसमें क्या, जैसे जैसे प्रकाश पड़ता जाएगा ना सूर्य का, तो इस सूर्य के प्रकाश के साथ साथ अपना रंग बदलती रहती है, ये बहुत सारे रंग बदलती है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और बिल्कुल खुरपाताल के ऊपर एक माता का मंदिर है बिल्कुल पहाड़ी के टच में, ज़बरदस्त नज़ारा है। और एक बार आपको इन झीलों के बारे में बिल्कुल घूमना चाहिए, एक बार ज़रूर देखना चाहिए खुरपाताल। अब बात करें नेक्स्ट हमारे कौन सी, सात ताल। अब तो सात ताल झील सबसे इम्पोर्टेंट है। सात ताल झील उत्तराखंड का जो नज़ारा है बिल्कुल देखने लायक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है झीलों के बारे में, तो बड़ा आपको बताएंगे झीलों के बारे में, तो सातताल झील भी बड़ी सुंदर झील है। नेक्स्ट बात करते हैं नौ से हमारी होती है नौकुचिया ताल। क्या है? नौकुचिया ताल। नैनीताल के लोग इतने मिलनसार हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, वहाँ बिल्कुल ठंड रहती है और आप घूम सकते हैं। नेक्स्ट हमारी देवताल झील भी बहुत ही अच्छी सुंदर झील है। और यहाँ हॉर्स राइडिंग भी कराई जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने पढ़ा उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, तो जिन इसका एक ट्रेड टेक्निक है जिस झील के पीछे ताल लगा जाए तो समझ ले वो झील आपकी नैनीताल में ही है और उत्तराखंड में है। देखिए ताल और नैनी झील सबसे सुंदर नज़ारा नैनीताल का है। जब हम ऊपर जाके देखते हैं ना पॉइंट देखते हैं, तो सेवन पॉइंट देखते हैं,
तो बिल्कुल ये जो नैनी झील है बिल्कुल एक आम की शेप में नज़र आएगी आपको, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक था नैनीताल के जो प्रमुख झील हैं उसके बारे में हमने पढ़ा और ये आगामी परीक्षाओं के लिए पूछे जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।